धाकड़ खबर और धाकड़ समाचार के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान और मेरे साथ हैं धाकड़ खबर के न्यूज एडिटर डॉक्टर अब्दुस्सलाम सिद्दीकी। आज हम कश्मीर के स्टूडेंट, कश्मीर के छात्रों, कश्मीर के तालिबो इल्म से जुड़ी हुई पांच खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे को थोड़ा फोकस करने की कोशिश करेंगे। किस लिहाज से? उस लिहाज से जहां कश्मीरी छात्रों की जो जो चीज़ें पिछले दो दिनों के अंदर, यानी कि बकरीद के त्यौहार पर, ईद उल अज़हा के, ईद उल ज़ुहा के त्यौहार पर जो सामने आई हैं, उससे पहले और उससे बाद में उन पर गौर करने की कोशिश करेंगे। पाँच अहम तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहली तस्वीर पर सीधा चलते हैं। मेरे पास आ रही है पहली तस्वीर, ये दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। क्या उनकी मांग थी, क्यों उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कब ये प्रोटेस्ट हुआ, वो बताएंगे आपको अब्दुस्सलाम सिद्दीकी। कब ये प्रोटेस्ट हुआ जी? ये ईद उल अज़हा के रोज़ जो है कश्मीर मुख्तलिफ कॉलेजों के, यूनिवर्सिटी के सैकड़ों कश्मीरी तलबा ने जो है जंतर मंतर पर जो है बाकायदा, यानी ईद उल अज़हा ना मनाकर उन्होंने उस दिन को एहतजाज के तौर पर मनाया। मतलब जब पूरा मुल्क, पूरा देश, तलबा, पूरी दुनिया त्यौहार मना रही थी, वो बेचारे वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो तलबा और तालिबात बाकायदा उन्होंने रो रो कर जो है अपना दर्द बयान किया। उन्होंने बताया कि मैं एक हफ्ते से जो है किस तरह जो है किन मसाइब में हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे गार्जियन को हमारे बारे में पता नहीं है और हमें ये पता नहीं हमारे गार्जियन वहाँ किस हाल में हैं। क्या डिमांड थी इनकी? उनकी डिमांड थी कि जो वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है उसे फौरन जो है कर्फ्यू को ख़त्म किया जाए और जो वहाँ टेलीफोन और इंटरनेट के जो बंद हैं उसे फौरन खोला जाए और उनके गार्जियन से उनकी बात कराई जाए, उनका जो भी है हालत स्थिति क्लियर की जाए। ये तमाम चीज़ों को लेकर इन्होंने प्रोटेस्ट किया। बहुत सारे लोग इनके सहयोग में भी आए। हाँ, दूसरे उनके यानी कॉलेज के जो दूसरे साथी हैं, यानी दूसरे रियासतों के जो है, वो भी उनके साथ थे। उन्होंने बाकायदा जो है उन लोगों ने मुँह पर जो है काली पट्टियाँ बांध रखी थी, ठीक है, और उसका काली पट्टी बांध कर एहतजाज किया। चलिए दूसरी तस्वीर रखते हैं आपके सामने, वो हमारे पास आ रही है AMU से, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कश्मीरी छात्र गवर्नर आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, उनके द्वारा आयोजित किए गए ईद के जो प्रोग्राम था उसमें शामिल नहीं हुए, उन्होंने बायकॉट किया। क्या पूरा मामला जी? असल में ईद से पहले जो है वज़ीर आज़म और जो कुछ कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से बाकायदा यह ऐलान किया जा रहा था कि हिंदुस्तान के दूसरी रियासतों में जो कश्मीरी तलबा हैं वो जो है घबराए नहीं, ठीक है, और उन्होंने जो है बाकायदा वहाँ के जो भी यानी रियासत हैं जहाँ भी कश्मीरी तलबा हैं उनसे अपील की थी कि वो कश्मीरी तलबा को ही मेहमान नवाजी करें ईद के मौके पर। तो इसी तरह जो है AMU में जो है उत्तर प्रदेश के गवर्नर की तरफ से जो है एक वो एहतमाम किया गया था डिनर का, ठीक है, लेकिन कश्मीरी तलबा ने जो है उसका बायकॉट किया और ये कहते हुए बायकॉट किया कि ये डिनर जो है ये डिनर नहीं है, ये हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। अब डिनर भी जो है वो गवर्नर की तरफ से दिया गया है, सिर्फ आनंदीबेन पटेल की तरफ से, यानी कि अगर नरेंद्र मोदी ने कहा कि तलबा को जो है हम लोग पूरे भारत का तलबा समझते हैं कश्मीर के, तो उस बात को किसी ने समझा तो आनंदीबेन पटेल ने समझा, यानी कि गुजराती ने समझा, जो उत्तर प्रदेश के CM हैं आदित्यनाथ योगी, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स तो अलग है, भगवाधारी पॉलिटिक्स है उनकी। अगर वो कश्मीरियों को बुला के, वो भी कश्मीर के मुस्लिम छात्रों को बुला के अगर वो खान पान कराएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, तो राजनीति का सारा चीज़ ही बदल जाएगी उनकी, तो फिर किस नाम पे राजनीति होगी। अब तीसरी तस्वीर की तरफ लेके चलते हैं, दिल्ली के जामिया में, जामिया मिलिया इस्लामिया में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। यहाँ पे बताते हैं कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक की तरफ से कोई प्रोग्राम था, उसका भी कश्मीरी छात्रों ने बायकॉट किया। असल में जो सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं जी, उन्होंने बाकायदा जो है यानी अपने कुछ अफसरान के ज़रिए उन्होंने कहा था कि वो जामिया मिल्लिया में जो है एक प्रोग्राम जो है पार्टी का आयोजन करें और उसमें जो भी दिल्ली में कश्मीरी छात्र हैं उसको शामिल करें, और उससे प्रोग्राम से पहले उन्होंने उन लोगों के साथ डायलॉग करने की कोशिश की, यानी उसके लिए राज़ी करने की कोशिश की कि हम इंतज़ाम कर रहे हैं आप लोग आइए। तो कश्मीरी जो तलबा थे वहाँ पे उन्होंने ये पेशकश जो है ठुकरा दिया और उन्होंने इनकार कर दिया, यानी कि नाराज़गी खासी है उनके अंदर जी, वो नाराज़गी। लेकिन वहाँ यहाँ भी कोई कमेंट है, जैसे AMU में कहा कि हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, तो यहाँ भी कोई ऐसा कमेंट है? यहाँ भी कहा कि भाई क्या मतलब, उनका मतलब ये था कि भाई कैसा ईद है, कैसा सेलिब्रेट, हाँ आप बंदूक की नोक पर जो है, हमारे माँ बाप को तो आपने बंदूक की नोक पर रखा है,
कैद कर रखा है और हमें आप कह रहे हैं सेलिब्रेट कीजिए। 370 हटाने और 35 से हटाने के फैसले में मुझे एक लाइन पसंद आती है, अगर आपको पसंद हो तो नोट कर लीजिएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने साबित कर दिया कि वो ताकत के दम पर मुसलमानों को कैद कर सकते हैं और उन पे मनचाहा कोई भी कानून थोप सकते हैं। मुसलमान वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पूरे कश्मीर को कैद किया गया, कश्मीर से पूछा नहीं गया, उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, उस पर यूनियन टेरिटरी थोप दिया गया। दम है आज आरएसएस ने एक बयान दिया है कि अब कश्मीरियों को हिंदुस्तानियत सिखाई जाएगी। वाह, आज से पहले जरूरत नहीं थी। चलिए खैर, बहुत अच्छी बात है। अगला मैं चलता हूँ चौथी तस्वीर के लिए, आपको पंजाब लेके चलता हूँ। यहाँ के सीएम है जो कांग्रेस के सीएम है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उनके प्रोग्राम में कश्मीरी छात्र जरूर शामिल हुए और बड़ी खुशी खुशी से शामिल हुए। जी जी, पंजाब के सेक्रेटरीट में जो है, पंजाब के जो वजीर आला अमरिंदर सिंह हैं, उन्होंने जो है कश्मीरी तलबा के लिए ईद सेलिब्रेशन का एहतमाम किया था। वहाँ जो है लुधियाना में और अमृतसर में और आसपास की यूनिवर्सिटियों के तलबा ने जो है उसमें शिरकत की और उन्होंने जो है उनका शुक्रिया अदा किया और सिर्फ शुक्रिया और उनसे मुतालबा किया जी कि हम आप ठीक है मैं शरीक हो गई हूँ, मतलब हो मैं तालिबान ज़्यादातर थी उन्होंने कहा, लेकिन हमारा जो असल जो परेशानी है आप उस पर भी ध्यान दें और हमारी जो बात है वो आप आला हुकाम तक, हिंदुस्तानी हुकूमत तक पहुँचाएँ, ठीक है, हमारे माँ बाप को जो है कैद से आज़ाद कराएं और जो हम लोग हमारे माँ बाप से हमारा रابطہ बहाल कराएं। क्या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि एएमयू जामिया वहाँ पे बच्चे नहीं जा रहे हैं लेकिन पंजाब के सीएम के साथ अमरिंदर सिंह के साथ वो चले जा रहे हैं, कि उनकी कोशिश वाकई में दिल से कोशिश थी इसलिए बच्चों को भी लगा वो चले गए और इनकी कोशिश शायद दिखावे की कोशिश थी इसलिए बच्चे नहीं गए? बिल्कुल नहीं, जैसे कि होना तो ये चाहिए था कि अब जैसे जामिया की खबर है कि वो कश्मीरी गवर्नर साहब की तरफ से जो है कहने पर वहाँ इस्तेमाल किया, होना ये चाहिए था जो दिल्ली के वजीर आला हैं उनकी तरफ से ये प्रोग्राम किया जाता, ठीक है। और इसी तरह जो एएमयू में जो है, खैर उन्होंने किया ठीक है, वो तो उन्होंने चूंकि भाई उनकी पार्टी की सरकार है, उनके पार्टी के गवर्नर हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा, उनका मान सम्मान रखने के लिए उन्होंने जो है कर दिया, एएमयू को मुंतखब किया। लेकिन कश्मीरी तलबा सिर्फ एएमयू में थोड़ी है, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश के यानी मैं कई ऐसे शहर जानता हूँ जहाँ बड़ी तादाद में है। अच्छा, आप इसमें एक चीज नोटिस ले रहे हैं जी, स्टूडेंट्स की जहाँ बात आ रही है, मदरसे के स्टूडेंट को बिल्कुल साइड किया जा रहा है, उनकी कहीं कोई तस्वीर ही नहीं दिखा रहे जी, उसकी कोई बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, उनपे क्या बीत रही है उनकी कोई नहीं बता रहा है। बिल्कुल, क्या बिल्कुल, क्या लग रहा है असल भाई, वो मदरसे में भी तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कश्मीरी बहुत देवबंद में पढ़ते हैं, सहारनपुर में पढ़ते हैं और भी जितने भी हिंदुस्तान में बड़े बड़े मदरसे हैं, जितने मतलब उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, राजस्थान में, गुजरात में, ठीक है, बहुत कश्मीरी, हजारों कश्मीरी तलबा पढ़ते हैं, उनकी कोई खबर नहीं आ रही, दिखा नहीं रहे ना उनको, बस इनको स्टूडेंट्स को दिखा रहे हैं। चलिए खैर, इसमें एक चीज ये भी है कि कम से कम ये स्टूडेंट हैं ये बोल सकते हैं, मदरसे वालों के अंदर शायद इतना हौसला नहीं, उतनी सलाहियत नहीं, वो अपनी बात रख भी नहीं पा रहे, जब ये रख पा रहे हैं तो इनको दिखाया भी जा रहा, ये भी एक पहलू है, हर पहलू को देख के चलना चाहिए। पांचवी और आखिरी तस्वीर आपके सामने रखता हूं, 11,000 कश्मीरी हज यात्रा पर गए हुए हैं, 18 तारीख से उनके लौटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, उसको लेकर कश्मीरियों में बड़ी बेचैनी देखी जा रही है, क्यों? क्योंकि रब्ता तो हो ही नहीं रहा, कौन कितने बजे आएगा, कितने बजे कहां पहुंचेगा, परिवार वाले आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं, चूंकि जो है 18 अगस्त से इनकी वापसी है वहाँ से, मक्का से, अब वापसी के बाद जाहिर सी बात है ये पहले दिल्ली आएंगे या हो सकता है डायरेक्ट ये श्रीनगर डायरेक्टली वहीं आएंगे, तो अभी जो सूरत हाल है यानी दफा 144 का मतलब ये है कि आप जो है बैक वक्त 3-4 से ज़्यादा जो है आप चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते रास्ते में जो है कहीं, तो अब ये है कि और एक तरफ यह है कि सिक्योरिटी बिल्कुल बहुत ही अलर्ट है, मतलब एयरपोर्ट से लेकर के पूरा श्रीनगर और पूरा जो है श्रीनगर के 7-8 अजला में पूरे, तो इस सूरत में जो है एक तरह तो राबता नहीं हो पा रहा, सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि जो कश्मीरी आजमीन आएंगे वो राबता कैसे करेंगे अपने भाई, उनके परिवार के लोग खुशी खुशी उनको लेने जाते हैं तो वो कैसे। और फिलहाल यह है कि जैसे अभी हज मुकम्मल हो चुका है, मतलब अब यह है कि अब वो रابطہ करना चाह रहे होंगे अपने हिस्सा से जो वहाँ हैं, क्या आपकी कब वापसी है, क्या शेड्यूल है, क्या प्रोग्राम है, तो दिक्कत तो बहरहाल और फिक्रमंद होना जो है जायज है बिल्कुल उनका। क्या लगता है, क्या प्रशासन की तैयारियां हैं? मुझे लगता है कि इंतजामिया जो है यानी कश्मीर की हुकूमत जो है कुछ ना कुछ
सोच रही होगी इसके लिए, कुछ ना कुछ सोच रही हूँ। 5 तस्वीरें उभर रही थी, हमें लगा कि आपको रूबरू कर आए। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।